नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर, आपका स्वागत है योगा लाइफ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय है घुटनों का दर्द। देखिए, घुटनों का दर्द, इसके पीछे कारण क्या है, चलिए पहले उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। घुटनों का दर्द काफ़ी बातों की वजह से हो सकता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं क्यों ये दर्द शुरू हो जाता है। बच्चों में, जवान लोगों में, बूढ़े लोगों को तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग तो इस दर्द के कारण उठने बैठने तक को भी मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है और खड़े हैं तो बैठना मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर हम इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को समय रहते नहीं कंट्रोल में करेंगे तो ये प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देखिए, अगर हम थोड़ा प्रिकॉशन शुरू से ही रखें, विद द टाइम जब हमारे नीज में कोई दिक्कत नहीं है, हम इनका टेक केयर करें, इनकी देखभाल अच्छे से करें, अच्छे से खाना पीना अपना खाएं, ऐसी चीज़ें ना करें जो ये दिक्कतें बढ़ाने का कारण बनती हैं, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पर अगर दिक्कत हो ही गई है तो उसको कैसे ठीक रखना है, ऐसे कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिनको करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हम पहले बात करते हैं कारणों की कि ये जो नी पेन है, घुटनों का दर्द है, होता क्यों है। सबसे बड़ा कारण है मोटापा। कई लोग बोलते हैं कि अभी तो उम्र ही कुछ नहीं हुई फिर भी घुटनों का दर्द हो गया है, तो क्यों हुआ? उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण मोटापा है। जब हमारा खान पान सही नहीं होता है, हम ऐसी चीज़ें सेवन करते हैं, ऐसी चीज़ों का जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो शरीर में दिन पर दिन वसा को बढ़ाती रहती है, मोटापा चढ़ता रहता है। कोई व्यायाम नहीं करते हैं, खाना है, बैठे रहना है, सारा दिन सिटिंग जॉब है, या फिर जो बूढ़े लोग हैं उनका भी क्या है, कुछ व्यायाम नहीं है, लेटे रहना है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम तो लाएंगी ही लाएंगी। तो मोटापा जब बढ़ता है हमारे शरीर का, तो हमारी जो टांगें हैं उस मोटापे को सहन नहीं कर पाती हैं, उसका भार नहीं उठा पाती हैं। ऊपर वाले शरीर का मोटापा, पेट इतना बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को खड़े होकर अपने पैर भी दिखाई नहीं देते, पेट इतना मोटा हो जाता है उनका। तो शरीर का जो भारीपन है, वो सारा भार कहाँ पड़ रहा है? आपकी टांगों पे, आपके घुटनों पे, आपके पैरों पे, आपकी टांगों में। तो वो भार जब एक चीज़ ओवरलोड हो कर देंगे हम किसी चीज़ पे, तो वो कहाँ से इतना भार सहन कर पाएगी। तो ये वजह हुई। दूसरी वजह, कई बार चोट लग जाने से कोई इंजरी हो जाती है, कई लोग इतना ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं जिम में या वैसे, वो सारा जो साइड इफ़ेक्ट है वो कहाँ आता है? नीज़ पे। देखिए, नीज़ में जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स क्या करता है, दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जब वो लिगामेंट्स टूट जाते हैं, वो कार्टिलेज जब ख़त्म हो जाता है, तो जब दोनों बोन्स हैं आपस में टकराती हैं, तो वो दर्द एक पेन को क्रिएट करती हैं। ज़्यादा वर्कआउट करना, डाइट का ध्यान अच्छे से ना रखना, तो ये भी नी पेन लाएगा ही लाएगा। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं, वर्कआउट करना ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिससे और प्रॉब्लम बढ़ जाए। नीचे बैठने को मना कर दिया जाता है, ज़्यादा देर खड़े रहने को मना कर दिया जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर आती ही आती हैं। तो ये हुए कारण। और भी बहुत सारे कारण हैं छोटे मोटे, जो कई लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार इसको बोलते हैं कि घुटनों की जो ग्रीस है, सिंपल भाषा में बोल दिया जाता है, वो ख़त्म हो गई है, तो घुटनों का दर्द हो गया है, घुटनों में सूजन हो गई है, आसपास की जो एरिया है वहाँ स्वेलिंग रहती है। तो नी पेन हर बंदे को, उसके पीछे जो कारण है, कुछ अलग अलग हो सकता है। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपकी नी पेन को कम करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगी। जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, वो लोग इन क्रियाओं को अपने बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप अपने बेड पे बैठिए, आराम से इन चीज़ों को करिए। जो चीज़ हो
उसको करें, जो लगे नहीं हो रही, दिक्कत दे रही है उसको छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ वीडियो में बताई है वो हर चीज़ को आपको करना ही करना है। जिस चीज़ में लगे कि हम आराम से आसानी से कर पाएँ वही करिएगा, जो लगे अभी ये नहीं होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से कि हमें क्या करना है। अगर आप बेड पे बैठे हैं या मैट पे बैठे हैं, जहाँ भी आपको बैठ के करना है, इस तरह से अपनी टांगों को सीधा करके बैठिए। अगर आपको पीछे सहारा लेना है, ठीक है, पीछे आप दीवार के साथ अपनी कमर को लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे बैठना आपको मुश्किल लगता है तो आप दीवार का सहारा लीजिए आराम से। अगर पीछे अपने बैक के पीछे पिलो रखना है तो उसको भी अपनी बैक को सपोर्ट दे के रखिए। बट कोशिश करिएगा कि पोस्चर सीधा रहे, ऐसे नहीं बैठिएगा, झुक के नहीं बैठिएगा। इससे क्या होगा, बॉडी पोस्चर सही रखने से क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो ओवरऑल अच्छे से बॉडी में जाता है, और भी इसके फायदे हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम एक लेग से मैं आपको करके बताऊंगी। देखिए यहाँ मैं अपना एक मैट को मैंने अच्छे से फोल्ड किया हुआ है टाइट करके, ये यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप ऐसे मैट यूज़ कर लो, या फिर कोई बिग टॉल, एक बड़ा तौलिया बड़ा हो, उसको अच्छे से गोल करके इस आकार में उसको लाते हुए, अच्छे से उसको टाइट करते हुए उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अगर आपके पास मैट भी नहीं है या टॉल को ऐसे करना, रोल करना आपको मुश्किल लगता है, तो आप पिलो भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा मोटा होना चाहिए जो आपके नी के नीचे अच्छे से आ जाए। वैसे तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने मैट को अच्छे से रोल करो और इसको यूज़ करो। चलिए अभी क्या करेंगे, इस तरह मैं अपनी नी के नीचे, ये जो हमारा नी ज्वाइंट है, इसके नीचे इसको प्लेस करूँगी, इसके नीचे इसको रखेंगे बड़े आराम से। कमर गर्दन सीधी है, हाथ यहाँ नहीं रखने तो ऐसे भी रख सकते हो आप अपने पीठ के पीछे, इस तरह से सहारा देते हुए। अब उसके बाद क्या करेंगे, सांस को लेते हुए इनहेल करते हुए इस तरह थोड़ा सा अपने पैर को ज़मीन से उठाएंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पैरों की उंगलियां हैं वो अपनी तरफ रहेंगी, ऐसे नहीं रखना, रिलैक्स नहीं रखना, थोड़ा सा अपनी तरफ करते हुए टाइट रखना है। ब्रीद आउट वापस लगातार करेंगे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फोर फिर वापस, फाइव फिर वापस, सिक्स फिर वापस, कंटिन्यू, सेवन इसी तरह करते रहें, एट यस, नाइन और टेन। मैंने सिर्फ 10 बार किया, स्टार्टिंग में आप लोग भी 10 बार ही करिएगा, धीरे धीरे आप इसको 20 से 25 बार बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए जब पैर ऊपर की तरफ किया तो इस जगह पे थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाव देना है, अपनी नी के साथ मैट को दबाने की कोशिश करिएगा। जब आप अपने पैर को ऐसे उठाते हैं, पूरा वजन इस पे डाल के रखिए, इसको दबा के रखिए, इस चरण से जब पैर जाएगा तो रिलैक्स, वो दबाव वो प्रेशर कम करना है, फिर ऊपर आएगा फिर पूरा दबाव बना के रखना है। 10 से 20 बार काउंटिंग बढ़ाई है, उसके बाद आप थोड़ी देर यहाँ थोड़ी देर रुकने की भी कोशिश करें, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बहुत धीरे धीरे वापस जाइएगा, इस तरह से। पहले लगातार किया कॉन्टीन्यूटी में 10 बार, फिर 10-10 सेकंड रुक के इसको 3 बार प्रैक्टिस करें। ये हुआ एक लेग से, इसी तरह अब हम अपनी दूसरी लेग पे, अगर इसको मोड़ पाए, वैसे तो दिक्कत होती है लोगों को कि हम नहीं मोड़ पाते हैं, तो आप इसको इस तरह से रिलैक्स रखिए इस तरह, और अब इसको मैट को अपने दूसरे नी के नीचे रखेंगे। मैं अभी अपना लेग फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे आपको दूसरी लेग से अच्छी तरह दिखाने के लिए। देखिए चलिए फिर ब्रीद इन, सांस लेना है और छोड़ना है, 2 वापस, 3 पैर का पंजा टाइट वापस, 4 वापस, 5 वापस, 6 वापस, 7 सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस, 9 वापस, 10 वापस। अभी रुकेंगे, 1, 2, 3 जितना टाइट कर सकते हैं उतना और कर लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धीरे से वापस। मैंने सिर्फ एक बार होल्ड किया, आप 3 बार होल्ड करिएगा अच्छे से। ये हो गया
उसके बाद अब हम दोनों लेग्स के साथ एक साथ करते हैं। अच्छे से इसको फिक्स करना है अपने नीज के नीचे। चलिए शुरू करें एक साथ। 1 पंजा अपनी तरफ, धीरे से वापस। 2 पंजा अपनी तरफ, धीरे से वापस। 3 कम बैक। 4 कम बैक। 5 कम बैक। 6 कम बैक। 7 कम बैक। 8 कम बैक। 9 कम बैक। 10 वापिस। अब होल्ड रखेंगे टाइट पूरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब वापिस जाना है एकदम से पैर नीचे नहीं गिरेगा, बड़े आराम से ढीलक छोड़ते हुए आराम से इसको नीचे रखिएगा और फिर थोड़ी देर रुकिएगा। हो सके तो इस तरह अपने हाथों के साथ थोड़ा अपने नीज के आसपास इस तरह से उसको मालिश कर सकते हैं, सूखी मालिश घुटनों के नीचे, थोड़ा सा नीचे की साइड इस तरह से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे दूसरी। अभी हमने कहाँ रखा था इसको, घुटने के नीचे। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे अपने पैर के, ये जो आपकी एड़ी है, आपका एंकल है, इसके पास मैट को प्लेस करेंगे इस तरह से, ताकि पैर को पूरा सपोर्ट मिले। ये चीज़ थोड़ी सी एड़ी मैट के बाहर की तरफ है, पूरा पैर मैंने ऐसे नहीं रखा है। ये चीज देखिए, ठीक है, जहां से आपका पैर स्टार्ट होता है, अच्छे से इस चीज का ध्यान में रखते हुए। अब इस जगह अपने पैर को रखा, अब पूरा टाइट करें। अब इस पोजीशन में क्या करेंगे, अपने नी का जो ये वाला हिस्सा है, जो अंदर का हिस्सा है, इसको जमीन के साथ लगाने की थोड़ी कोशिश करें। कैसे लगेगा, इस जगह पे थोड़ा प्रेशर देते हुए नीज को जमीन को दबाने की कोशिश करें इस पोजीशन में, ठीक है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा टच होना शुरू हुआ, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। नहीं लग रहा ज़मीन के साथ तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप पहले की अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद थोड़े दिन बाद इस पे आओ। अभी इस पे पूरा प्रेशर बना के रखा मैंने, उसके बाद थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, ज़मीन से उठा लेंगे, फिर नीचे अच्छे से प्रेस करते हुए ब्रीद इन, सांस लेते हुए, और फिर ब्रीद आउट, रिलैक्स, ब्रीद इन, फिर टाइट, पूरा ज़मीन की तरफ अपने नी को ले जाते हुए ब्रीद आउट, रिलैक्स, ब्रीद इन। जब टाइट करेंगे पंजा फिर अपनी तरफ आएगा, एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स, ब्रीद इन, टाइट। जब हम टाइट करते हैं, एक चीज़ और, ये जो हमारी थाई मसल्स हैं ये बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं जब हम इस पोजीशन में आते हैं, फिर रिलैक्स। इसी तरह आपको 10 बार करना है, नीचे की तरफ प्रेस करते हुए, पंजे को अपनी तरफ करते हुए, एंड रिलैक्स, ब्रीद इन, सांस लेते हुए टाइट, एंड रिलैक्स, ब्रीद इन एंड रिलैक्स। 10 बार किया, 10 बार दूसरे पैर से इस तरह पैर को रखते हुए। चलिए स्टार्ट करें। देखिए अभी पैर रिलैक्स है, अभी ज़मीन से उठी हुई है टांग थोड़ी सी, जब हम टाइट करेंगे ब्रीद इन अच्छे से ज़मीन की तरफ, ये देखिए टच होती हुई, एंड रिलैक्स, ब्रीद इन एंड रिलैक्स, ब्रीद इन। आपको आपका ये जो नी कैप है इसकी मूवमेंट होते हुए दिखाई देगी जब आप ये वाली क्रिया करेंगे, ब्रीद इन टाइट एंड ब्रीद आउट। ये देखिए ब्रीद इन, अभी थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ, एंड ब्रीद आउट, नी कैप नीचे की तरफ चला गया। कंटिन्यू, 4 एंड रिलैक्स, 5 टाइट एंड रिलैक्स, ये देखिए गैप, 6 टाइट एंड रिलैक्स, 7 रिलैक्स, 8 रिलैक्स, 9 रिलैक्स, 10 रिलैक्स। इसी तरह 10 बार राइट साइड से, 10 बार लेफ्ट साइड से, इतना करिए। देखिए ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये बैठ के है,
कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें बैठ के करना भी मुश्किल लगता है, जब ये हम करते हैं तो हमारी बैक पे थोड़ा स्ट्रेन आता है, कमर का दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, इस तरह अपने मैट पे लेटिए, इस मैट को अपने नी के नीचे प्लेस करें, ये देखिए बिल्कुल घुटने के नीचे, दूसरी लेग को अभी रिलैक्स रहने दें, इस पोजीशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। मैट के ऊपर पूरा दबाव बनाते हुए अपने पैर को जमीन से उठाएं, पंजे को अपनी तरफ पूरा टाइट करें जितना खींच सकते हैं, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे से जमीन पर रख दें वापस, फिर ब्रीद इन करते हुए टाइट, पंजा अपनी तरफ, ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स, थ्री, फिर से टाइट, मैट पे पूरा प्रेशर, पंजा अपनी तरफ एंड रिलैक्स, फिर ऊपर, फोर, पूरा टाइट एंड रिलैक्स, आखिरी, फिर टाइट, पूरा टाइट, मैट पे पूरा प्रेशर और धीरे से रिलैक्स। ये सिर्फ मैंने आपको ऑप्शन बताई है कि जिनको बैठ के करने में दिक्कत है वो इस चीज को लेट के भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये चीज रेपिटेशन सेम रखेंगे 10-10 बार करके, थोड़ी देर होल्ड रखने की कोशिश करें, और जो ये वाली पोजीशन मैंने आपको बताई थी पैर के नीचे रखने के लिए, इसे भी आप लेट के कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे रखिए, एड़ी जो है बाहर की तरफ रहेगी इस पोजीशन में। थोड़ा नी को फ्लोर के साथ टच करना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, नहीं लगेगा, बट कोई बात नहीं, लेट के भी आप इस वाली क्रिया को कर सकते हैं, ठीक है। नीज पे थोड़ा प्रेशर दें, अपनी तरफ से पूरा फ्लोर की तरफ, फ्लोर के अगेंस्ट लेके जाएं, पंजे को टाइट करें और फिर रिलैक्स, फिर अपनी तरफ, इस पे थोड़ा प्रेशर दें, नीचे की तरफ दबाव दें और फिर रिलैक्स, और फिर अपनी तरफ। टेक्निक सेम रहेगी जैसे बैठ के बताई वैसे ही लेट के, बस ये ऑप्शन है, या आप बैठ के कर सकते हो या फिर लेट के कर सकते हो। उसके बाद एक चीज और, अगर आप उल्टे लेट पाए, इस तरह पेट के बल लेट के आराम से, चाहे तो अपनी ठोड़ी के नीचे पिल्लो भी रख सकते हैं आराम से, या फिर अपने हाथों को इस तरह से रखें, धीरे धीरे इस पोजीशन में क्या करेंगे, मैट को चाहे तो बाहर निकाल लें, इस तरह से आराम से पैरों को जमीन पे रखें, बहुत धीरे से अपनी लेग को सांस लेते हुए इस तरह से बहुत धीरे धीरे मोड़ेंगे, यहाँ पे 2-3 सेकेंड, 1-2-3, और फिर बहुत धीरे धीरे से उसको ओपन करेंगे। देखिए ये चीज नहीं करनी है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे, मेरी स्पीड देखिएगा, चाहे तो आप काउंट करें 1-2-3-4-5-6-7, मैंने 7 तक इसको कंप्लीट किया, बहुत धीरे धीरे इसी तरह खोलेंगे 1-2-3-4-5-6-7 एंड वापस, ठीक है। 7-8 काउंट करते हुए आप अपनी लेग को फोल्ड करें, वंस अगेन 1-2-3-4-5-6-7-8, इसी तरह बेंड किया 1-2-3-4-5-6-7-8 एंड रिलैक्स। इसी तरह 10 बार एक साइड से करें, फिर दूसरी साइड 1-2-3-4-5-6-7-8 और फिर धीरे धीरे खोले 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 इस तरह 10 बार राइट साइड, 10 बार लेफ्ट साइड, अभी दोनों पैर एक साथ, ठीक है। धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए 1-2-3
तो अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा नहीं मोड़ पाते हैं, यहाँ तक लाने में दिक्कत है, तो आपसे जितना आराम से हो, अगर आपसे यहीं तक आया जाता है तो यहीं तक आएं और फिर धीरे धीरे अपनी लेग्स को दोबारा से खोल दें, फिर धीरे धीरे इस तरह से इसको मोड़ें, बहुत धीरे धीरे, ज़बरदस्ती नहीं करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये करते हुए दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा है तो अभी थोड़े दिन इसको रोक दें, जो पहले दो बताई हैं उस पे अपना ज़्यादा फोकस करें। जिस भी चीज़ में डिस्कम्फर्ट हो, परेशानी लगे, अच्छा ना लगे, उसको वहीं छोड़ दीजिए। तो इसी तरह आपको दोनों लेग्स के साथ भी धीरे धीरे लेग्स को फोल्ड करना है और फिर धीरे धीरे अपनी लेग्स को ओपन करना है इस तरह से, और 10 बार करने के बाद थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे, वो हम खड़े होके करेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले खड़े होके पैरों में थोड़ा सा गैप लेके आएंगे, या तो अपने कंधों जितना गैप ले आइए या थोड़ा उससे कम, ज़्यादा नहीं ओपन करना है इस तरह से। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप बिना किसी सहारे के खड़े होके नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करें, सामने दीवार के साथ खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथ दीवार पे रख लें, उसके बाद दीवार का सहारा लेते हुए इस क्रिया को, इस एक्सरसाइज को आप आराम से कर सकते हैं। करना क्या है, मैं अभी बिना सहारे के आपको बताऊंगी कैसे करना है। दोनों हाथ मैंने कमर पे रखे हैं, उंगलियां पीछे की तरफ है, अंगूठा आगे की तरफ है। कमर को, गर्दन को एकदम सीधा रखना है, आगे नहीं झुकेंगे। अगर आप दीवार पे हाथ रख के भी कर रहे हो, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी। सिर्फ इस तरह से अपने हाथों को वॉल पे पूरा प्लेस करना है। उसके बाद सांस को लेते हुए धीरे धीरे अपनी एड़ी को ज़मीन से उठाएंगे, अपने पंजे पे आएंगे। देखिए, पैरों की उंगलियों को पूरा फैला के रखिएगा अच्छे से बैलेंस करने के लिए। अगर आप ऐसे मिला के रखोगे, उंगलियों को पूरा फैला के रखिए, पैरों की उंगलियों को, ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। सांस भरते हुए ऊपर 1 से 2 सेकेंड रुकिएगा और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ऐसे झटका नहीं देना है, आराम से करना है, बहुत आराम से करना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, 3 बार हो गया। ब्रीद इन अच्छे से और ब्रीद आउट 4 बार। ब्रीद इन, फिर ब्रीद आउट 5, फिर ऊपर और फिर नीचे 6, फिर ऊपर और फिर नीचे 7, फिर ऊपर फिर नीचे 8, फिर ऊपर फिर नीचे 9, फिर ऊपर और फिर नीचे 10। मैंने आपको 10 बार करके दिखाया। शुरू आप 10 से ही करिएगा, धीरे धीरे थोड़े दिन करने के बाद ही काउंटिंग बढ़ाइएगा, एकदम से मत करिएगा। 10 बार किया, थोड़ा रुको, उसके बाद एक और चीज़ आपको बताऊंगी करने के लिए, वो क्या करनी है। साइड से देखिएगा, इस तरह आप खड़े हैं, जैसे हमने लेट के अपनी टांग को मोड़ी थी हम पीछे की तरफ, उसी तरह अब खड़े होकर थोड़ा सा करेंगे इस तरह से 1, फिर उसको सीधा कर दें। जितना आराम से मुड़े उतना ही मुड़िएगा धीरे धीरे 2 और फिर सीधा 3, बहुत धीरे धीरे 4, 5, 6, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है नी पे 7, 8, 9, 10। देखिए, ज़्यादा इतना ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से सॉफ्टली करना है इसको। आराम से खोलो, आराम से मोड़ो। अभी दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। तो ये चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई, आप करिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। साथ में थोड़ी चीज़ों का ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का, अपने खाने पीने का, ये सब चीज़ें ध्यान दें। कभी भी ज़्यादा देर एक ही जगह ना खड़े रहें, कभी भी ज़्यादा देर एक ही जगह टांगे मोड़ के ना बैठे रहें। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली होती हैं, ये मत करें,
तो अपने आप को स्वस्थ रखें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, आगे किसी को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें जिसकी इसको ज़रूरत है। अगर मेरे चैनल के साथ आप नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, भूलना मत, और आगे भी वीडियोस को देखते रहना यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।